हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रेडू और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज तारीख है 7 सितंबर 2021 और अभी यार मैं कुछ वहाँ जो अन्ना की दुकान पर रुका था उससे 6 किलोमीटर चल के फिर पोस्ट ऑफिस था। वहाँ पे वो अपना आगे वाला बैग, टेंट और कुछ कपड़े पार्सल करवा दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। तो 6 किलो का कुछ हुआ वो बैग। मैं तो सोच रहा था यार 10-12 किलो भेज दूँ, लेकिन कम करते करते भी सिर्फ 6 ही किलो बना। और अभी जा रहे हैं आज कम से कम भी 30 किलोमीटर और चलना है, कम से कम भी 40 किलोमीटर चलना है आज। आज मैं तिरुनेलवेली पहुँचना है और अभी ये पहाड़ों की तरफ देखो यार क्या मस्त नज़ारा है। इनके साइड में चलने का भी एक अलग ही मज़ा है। एक साइड ये नारियल के पेड़, एक साइड भाई ये पहाड़, ये भी यार चलने का एक अलग ही मज़ा है। आज तो बस मैंने बैंडेज बांधी है और उसके ऊपर ही सॉक्स पहन के शूज़ पहन लिए। देखो आज ना हो कुछ तो यार। चलो अभी चलते, आपको दिखाता हूँ फिर जो जो होएगा नज़ारा। देखो भाई अभी तुम इस रोड पे चल रहा हूँ, यहाँ ये नदी है, सामने वो पहाड़ है, ऊपर बादल हैं, अलग सीन है भाई। अगर किस्मत रही ना तो ऐसी ऐसी जगह आप घर बनाएंगे। जैसे वो पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के पास घर, एक साइड नदी, एक साइड पहाड़, अलग ही सीन है भाई। ये गूगल मैप्स किसी गलत जगह पे ले आया यार, पता नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक तरफ पहाड़ है, दूसरी सब खेत और पहाड़ी है, पता नहीं। शायद देखते हैं यार, जहाँ पहुँचता बताता हूँ, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा यार। ये गूगल मैप्स पता नहीं यार कहाँ ले आया। बस यहाँ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, खेत है, और ये जो सी गली पे जाने के लिए वो टूटा फूटा पतला सा रोड है, और ये भी सामने पहाड़ों की तरफ ही जा रहा है। पता नहीं यार आज ये कहाँ लेके जाएगा, बाकी देखते हैं यार कहीं तो पहुँचेंगे। आज मैंने टेंट भेजा, आज ही मेरे को लग रहा है टेंट की जरूरत पड़ सकती है मेरे को। देखो यार ये भाई उस रास्ते किसी गाँव में आ गए हैं, पता नहीं। देखो कहाँ चलते हैं, कहाँ नहीं, आगे गांव कहाँ निकलता बताता हूँ मैं सब भाई। उस गांव से निकलने के बाद ये गूगल मैप तो वापस इन पहाड़ों के अंदर ही ले आया और पहाड़ों के अंदर ही जा रहा है ये रोड। समझ ही नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है क्या नहीं। और गांव वालों से बात करने की कोशिश करी, उनको सिर्फ तमिल आती थी, ना इंग्लिश ना हिंदी किसी को भी। तगड़ा फंस गया यार आज तो। वो पहाड़ क्रॉस करने के बाद भाई ये वापस से कोई गाँव आ गया और अभी ये मैप बोल रहा है सीधा उस रोड पर जाने को। देखो अभी वो गांव क्रॉस करने के बाद यार ये वापस पहाड़ों की तरफ जा रहा है रास्ता। पता नहीं आज ये गूगल मैप क्या करके मानेगा। और मेरा पानी पूरा ख़त्म हो चुका है, एक घूंट भी नहीं है पानी की, ना खाने का कुछ है। वरना सच बता रहा हूँ अगर मेरे पास टेंट, खाना और पानी होता ना तो आज मैं इजली कहीं टेंट लगा के सो जाता। प्यास लगी यार बहुत तेज और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आज तो बहुत गंदा वाला फंस गया। बस जहाँ पे पहुँच गया ना भाई, एक दो बाल्टी पानी पी जाऊँगा जहाँ पे पानी मिल गया मेरे को पीने का। एक कार आई है लेकिन ये भी उस साइड जाएगी, अपने को उस साइड जाने का है। तो भाई अभी यहाँ पे वो अन्ना की मोटर में से, ट्यूबवेल में से थोड़ा सा एक बोतल पानी भरी, पानी पिया। अभी थोड़ा जान में जान आई है। देखो यार 3 किलोमीटर और सीधा दिखा रहा है, कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं बताता हूँ। हालत ख़राब हो गई आज, बैठने की जगह भी नहीं मिली है कहीं। बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। आज बहुत गलत वाला सीन हो गया है। मेरी किस्मत यार कुछ ज़्यादा ही तगड़ी चल रही है। मैं वहाँ से कम भी 50 किलोमीटर चला हूँ आज अन्ना की दुकान से, और पहले पूरा दिन बहुत बुरा जा रहा था। खेती खेत, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे, गांव के बीच से जा रहा था, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। फिर मुश्किल से पहुँचा मैं, या कोई शहर था उसमें, फिर मैं एक जगह बैठ के दूध पी रहा था। बूस्ट बोनवीटा मेरे को मिला नहीं, वरना मेरे को बोनवीटा बहुत पसंद है। बोनवीटा नहीं मिला तो बूस्ट से ही काम चलाना पड़ा। वहाँ बैठा हुआ था तो ये बैग देख के कन्ना में से पूछने लगे
कि ये भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कुछ सीन है। तो मैंने उनको सब कुछ बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि अन्ना यहाँ कोई होटल है क्या सस्ता सा। बोले कि नहीं, होटल छोड़ो यार, क्या कहते आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, चले आपको हमारे यहाँ, मैं MLA का आदमी हूँ, आपको हमारे MLA से मिला के लाता हूँ। तो वो मेरे को लेके गए अपने MLA साहब के साथ। राजा MLA जी हैं यहाँ तमिलनाडु में ही। तो मैं उनके पास गया यार, बहुत ज़्यादा इज्जत दी, और मतलब इतने ज़्यादा खुश हुए वो मेरे से मिलके। मैं क्या बताऊँ, मतलब साउथ में कुछ ज़्यादा ही इज्जत मिली है मेरे को। मेरे को नहीं लगता मैं कुछ इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, फिर भी यार मेरे को बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है। तो उनसे बातचीत हुई, फिर वो बोले कि होटल वोटल कुछ नहीं लेना, आप मेरे घर चलो, घर पे ही रहना मेरे। तो फिर मैं उनके घर पे ही आ गया, अभी खाना वगैरह खाया, बातचीत करी, फिर अभी बस सोने जा रहा था उनके साथ। तो उनके घर में तो कुछ शूट नहीं कर रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन अन्ना से बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे इंसान है यार, बहुत इज्जत दी, मज़ा आ गया मतलब उनके साथ रह के। तो बस अभी तो सोएंगे, नहा धो लिया हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं कहाँ नहीं। घर जल्दी पहुँचना है क्योंकि मम्मी बहुत गालियाँ सुना रही है, बोला जल्दी आ जा दिवाली से पहले। बोला दिवाली से पहले तो मम्मी नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी जाने की यार। और हाँ एक बात और, हमेशा याद रखना कि बुरा टाइम अच्छा टाइम कट जाता है, तो कभी टेंशन नहीं लेने का। तो देखो कहाँ, तो यार मैं वहाँ गाँव में भटक रहा था, और कहाँ अभी यार MLA सर के घर पर सो रहा हूँ। किस्मत और भगवान बहुत साथ दे रहा है यार मेरी इस ट्रिप में, मतलब आगे से आगे मेरा सब कुछ होते जा रहा है खुद ही, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, या भगवान का अपने ऊपर हाथ है कि यार सब कुछ आगे से आगे होते हुए मिल रहा है। बस यार आज तो इतना ही, अभी सोते हैं, फिर कल सुबह जल्दी निकलेंगे, बताते हैं कहाँ गए, कितने किलोमीटर हुए, सब कुछ आपको। तो भाई अभी फिर से निकल चुके अपने सफ़र पर अन्ना के साथ, कल रुके, बहुत मज़ा आया। और अभी जब निकल रहा तो यार अन्ना पीछे पड़ के पैसे देने लगे। मैं बोला अन्ना मेरे को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट चाहिए। आप मेरी YouTube पे डेली पूरी वीडियोस देख लेना, वही मेरे लिए बहुत है, मेरे को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो फिर भी धक्का कर रहे थे, पर मैंने यार बड़ी मुश्किल से मना किया, क्योंकि यार अपने फादर साहब ने इतना कमा रखा है कि अपने को किसी की पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला कि मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस आप सपोर्ट करो, मेरी पूरी वीडियोस देखना मेरे लिए बहुत है। लेकिन फिर भी अन्ना ने यार क्या कहते हैं बिस्किट्स वगैरह, जूस वगैरह, खाना वगैरह पैक करके बैग में डाल दिया, बैग और भारी कर दिया, लेकिन वो उनका प्यार था यार, अच्छा लगा। तो अभी फिर से निकल चुके सफर पे, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक नहीं, बताता हूँ आपको। तो भाई आज अभी 40 किलोमीटर चल के अपन वहाँ अन्ना के घर से यहाँ पे आ गए हैं। एक होटल बॉम्बे है, उसमें आज ये 500 रुपये का एक दिन के लिए रूम ले लिया है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गया था। और यार कल एक गोवश भी लेंगे, क्योंकि सनलाइट की वजह से आके हर रोज लाल हो जाती है और सर भी दुखने लग जाता है। और आज मैंने होटल इसलिए लिया क्योंकि कपड़े सारे गंदे हो गए तो धोने पड़ेंगे, तो कपड़े धोते हैं। और ये रूम कुछ ऐसा है यार, बस एक सिंगल बेड है, छोटा सा ये कमरा है। और यहाँ पे मैंने एक बात और देखी इस होटल में, ये चाबी वाला सिस्टम अच्छा है, ये चाबी निकालो अपने आप लाइट चली जाएगी, ये चाबी डालो अपने आप लाइट आ जाएगी। तो भाई 500 रुपये के होटल में इतना बढ़िया कमरा मिलना तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के तले यार बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कभी कहीं किसी मोड़ पर।